नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, कल आपने देखा होगा रीट भर्ती को लेकर एक अपडेट आई थी कि 2 अगस्त को आपकी रीट भर्ती नहीं हो सकती, रीट भर्ती पर संकट है। और आज दोस्तों राजस्थान के जो राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री है, उन्होंने रीट भर्ती पर अपना बहुत ही बड़ा बयान दिया है और एकदम आपको जानकारी ऑथेंटिक और विद तथ्यों के आधार पर दी जाएगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार आप सभी के लिए अपडेट है। इसके साथ ही अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो और आपको जो बुके मार्केट में 500 हज़ार रुपये मिल रही हो, बिल्कुल फ्री में चाहते हो, तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर सर्च कीजिए शिक्षा ज्ञान और वहाँ से अपने साथ जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री में वहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो आप जल्दी जाइए और वहाँ से जुड़िए और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे रहेगा टेलीग्राम का, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हमसे। तो अब दोस्तों आज बात कर लेते हैं रीट भर्ती पर शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है, संपूर्ण बड़ी खबर है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, आज की हेडलाइन न्यूज है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 31,000 पदों के लिए बढ़ सकती है परीक्षा तिथि। जी हाँ मित्रों, ये तो आपको कल ही पता चल गया था, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पे अपना बड़ा बयान दिया। फिलहाल 2 अगस्त को प्रस्तावित है आपकी परीक्षा। देखिए दोस्तों, बड़ी खबर क्या है, जयपुर से है कि गत जनवरी में प्रदेश भर में 31,000 पदों पर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2 अगस्त को कराने की घोषणा की गई थी। हालांकि मार्च तक इसका नोटिफिकेशन जाए नहीं निकला, फिर अब कोरोना वायरस के चलते लागू 21 दिन के लॉकडाउन के कारण उक्त परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की संभावना है। वहीं लॉकडाउन के बाद हालात सामने होने को लेकर भी विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति है। उधर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासा ने बताया कि नोटिफिकेशन और विज्ञप्ति के बाद 3 महीने का आपको समय दिया जाएगा। जी हां मित्रों, आप बिल्कुल देख सकते हो, शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि आपको पर्याप्त 3 माह का यहां पे समय मिलेगा। हालात सामने होने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, इसके बाद विद्यार्थियों को उचित समय देकर दिया जाएगा। हालांकि परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाई जाए या फिर नहीं। यानी कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आपको 3 माह का समय मिले। यदि आप मान के चलिए 14 अप्रैल को यदि आपका लॉकडाउन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, तो आपके अप्रैल माह में मान के चलिए लास्ट सप्ताह तक आपकी मीटिंग हो जाएगी, और फिर मीटिंग हो जाती है तो आपको 3 महीने पर्याप्त मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से आपके 2 अगस्त को यहाँ पर एग्ज़ाम हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, पैटर्न स्पष्ट नहीं है अभी तक, रीट के पैटर्न के बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं की है। परीक्षा अगस्त में ही होती है, तो स्थिति सामने होने पर सरकार को पैटर्न आदि के बारे में जल्द ही निर्णय लेकर विज्ञप्ति जारी करनी होगी। राजस्थान बेरोजगार युक्त महासंघ प्रदेश संयोजक उपेन्द्र यादव के अनुसार पाठ्यक्रम और विज्ञप्ति जारी होने पर 11 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों यहाँ के समक्ष असमंज की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, इन्होंने कहा है कि जब पाठ्यक्रम तय नहीं किया गया है तो विद्यार्थी तैयारी किस प्रकार से करें, तो इनका ये कहना, आपका इसके बारे में क्या कहना है, राय अवश्य दें। वीडियो को लाइक जरूर करें, धन्यवाद।